हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अंजू बेनीवाल फ्रॉम गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट से इमाइल दुर्खिम के डिवीजन ऑफ लेबर को पढ़ेंगे। इमाइल दुर्खिम एक प्रख्यात समाजशास्त्री और दार्शनिक रहे हैं और इनका जो रुचि था वो प्रत्यक्षवादी और वैज्ञानिक आधारों वाले जो विषय थे उसमें थी। वे समाज के वास्तविक राजनीतिक बौद्धिक और सामाजिक दशाओं के अध्ययन के अंदर रुचि रखते थे। उनका झुकाव प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म में था। उनका मानना था कि किसी भी ज्ञान या दर्शन में यदि वर्तमान राजनीतिक बौद्धिक और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन नहीं किया जाता तो वह ज्ञान या दर्शन निरर्थक है या अनुपयोगी है। अब यहाँ पर हम लोग इमाइल दुर्खिम की कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनरली पूछा जाता है कि इस बुक का लेखक कौन है या इमाइल दुर्खिम की कुछ दो किताबों के नाम लिखिए। तो आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में पता होना चाहिए जो किताबें इमाइल दुर्खिम ने लिखी हैं। तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जिसमें द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड 1895, द सुइसाइड 1897, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912, एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी 1922, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी 1924। ये जितनी भी बुक्स हैं इसमें सबसे पहले के जो चार किताबें हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मैथड, द सुइसाइड एंड द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये चारों किताबें वो उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो चुकी थी और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने बाकी की जो किताबें थी उनका प्रकाशन कराया था। इन सभी किताबों में दुर्खिम के गहन समाजशास्त्रीय ज्ञान और उनकी जो असाधारण प्रतिभा थी उसका परिचय मिलता है। अब अगर हम उनके श्रम विभाजन के कॉन्सेप्ट की बात करें कि श्रम विभाजन का कॉन्सेप्ट क्या था, तो हम देखते हैं कि अगर शाब्दिक अर्थ के अंदर हम श्रम विभाजन को समझें कि श्रम विभाजन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वो होता है समाज के सदस्यों में कार्य का बंटवारा। किसी भी काम को किस प्रकार से बांटा जाता है उसे हम श्रम विभाजन कहते हैं। समाज के सभी सदस्य जो हैं वो समान कार्य नहीं करते। क्षमता और आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति की क्षमता कैपेसिटी कैसी होती है, किस काम की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है, उसके आधार पर समाज में कार्य का बंटवारा किया जाता है। समाज की सभी इकाइयों में श्रम विभाजन की व्यवस्था मिलती। कोई भी समाज की ऐसी इकाई नहीं होगी जहाँ पर कि श्रम विभाजन देखने को ना मिले। श्रम विभाजन के कारण कार्य के बंटवारे से उत्पादन में वृद्धि ही नहीं होती बल्कि उससे समाज संगठित भी होता है। आप ये देखेंगे कि कहीं भी अगर कोई काम जो है उसको बांट कर किया जाएगा तो उससे लोगों के अंदर आपस में संगठन भी बढ़ेगा, लोग आपस में संगठित भी होंगे। तो श्रम विभाजन समाज के संतुलन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और श्रम विभाजन अनेक व्यक्तियों को एक समाज के रूप में संगठित करता है, जोड़ता है। श्रम विभाजन से केवल लोगों के कार्यभार में ही कमी नहीं होती बल्कि एक समाज का निर्माण होता है। आप देखिए, परिवार के अंदर भी जितने सदस्य रहते हैं अगर वो सभी सदस्य अपने अपने काम का बंटवारा कर लें तो किसी प्रकार का कोई कलेश ही नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई संघर्ष ही नहीं रहेगा, क्योंकि सब अपना अपना काम सहूलियत से करेंगे तो उससे ईजी गोइंग के अंदर सब लोग संगठित होकर रहेंगे। किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं होगी, किसी का किसी से कोई द्वंद्व नहीं होगा। उस कंडीशन में एक व्यवस्था बनी रहेगी परिवार के अंदर और वो एक संगठित रूप के अंदर परिवार बना रहेगा। सेम यही सिचुएशन जो है वो समाज पर भी लागू होती है। समाज के अंदर भी हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कार्य का बंटवारा कर दिया जाता है तो समाज एक समाज के रूप में संगठित रहता है। उससे ना केवल उसके लोगों के कार्यभार में कमी होती है, बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है, बल्कि वो संगठित भी होते हैं
और इस संगठन से उसमें सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो सामाजिक संबंधों को बनाए रखने के लिए समाज के लोगों का एक साथ मिलकर अलग-अलग कार्यों को करना बहुत ही आवश्यक है और इस प्रकार श्रम विभाजन समूह का निर्माण करता है और उनमें एकता पैदा करता है। ना केवल समूह का निर्माण करेगा बल्कि उसमें एकता को भी शामिल किया जाता है, उससे लोग जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ते भी हैं। अगर दुर्खिम की बात करें तो उनके अनुसार मानव समाज में श्रम विभाजन आदि काल से ही विद्यमान रहा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर श्रम विभाजन ना पाया जाता हो। आदिकाल के जो प्राचीन समाज था उसके अंदर श्रम विभाजन में विशेषीकरण का विकास नहीं हुआ था, स्पेशलाइजेशन था वो नहीं पाया जाता था। प्राचीन समाज के अंदर स्त्री पुरुष के लिंग भेद के आधार पर श्रम विभाजन देखने को मिलता था। उसमें ये था कि स्त्रियां जो हैं घर पर रहकर बच्चों का पालन पोषण करेंगी या जो छोटा मोटा काम है खेती करने का वो काम करेंगी, कुछ सब्जियां उगाने का काम करेंगी, और पुरुष जो है वो बाहर जाकर शिकार करेगा। तो लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष का कार्य जो था वो बांट दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी या जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे कार्यों का विशेषीकरण हुआ, स्पेशलाइजेशन हुआ, और उसके साथ साथ श्रम विभाजन का भी विकास हुआ। तुर्किम के अनुसार श्रम विभाजन केवल आर्थिक क्षेत्र पर ही घटित नहीं होता बल्कि ये समाज के हर क्षेत्र में घटित होता है। वास्तविकता तो यह है कि श्रम विभाजन जिस प्रकार सावयव या प्राणियों पर घटित होता है उसी प्रकार से समाज में भी घटित होता है। यानी श्रम विभाजन का नियम जो है वो किसी जीव पर और समाज पर दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यहाँ तक ये भी कहा जा सकता है कि सावयव के कार्य जितने अधिक विशेषीकृत होंगे उतना ही अधिक विकास होगा। यानी इसकी तुलना जो है हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर से कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंग हैं और उनके अपने अपने कार्य हैं। आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, मुंह का काम बोलना है, हर ऑर्गन्स का अपना अपना कार्य डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसी प्रकार से समाज के अंदर भी हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य बांट दिया जाता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि पर्टिकुलर ये व्यक्ति यही काम करेगा। जैसे मैंने बोला आँख का काम देखना कर दिया, कान का काम सुनना कर दिया, तो ये स्पेशलाइजेशन हो गया। तो श्रम विभाजन का जो नियम है वो जिस प्रकार से एक जीव पर लागू होता है उसी प्रकार से वो समाज पर भी लागू होता है। तो समाज और जीव दोनों के अंदर ही हम श्रम विभाजन की जो उपयोगिता है उसको देखने को मिलती है। अब अगर हम आधुनिक समाजों के अंदर श्रम विभाजन की बात करें तो देखते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई वैसे वैसे सभ्यता का विकास हुआ, आर्थिक जीवन के विभिन्न पक्षों में परिवर्तन आए जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ी और इन मांगों और आवश्यकताओं में विविधताओं का विस्तार हुआ और इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य और सामाजिक कार्य करना पड़ा। इसी के साथ साथ श्रम विभाजन की आवश्यकता को भी महसूस किया गया। पहले तो एक व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं खुद ही पूरा कर लेता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं की मांग बढ़ी, वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ साथ उसमें विविधता की मांग बढ़ी, और विविधता की मांग बढ़ने के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि श्रम विभाजन होना चाहिए जिससे कि विविध आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। और इस श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप कार्यों का विशेषीकरण हुआ, क्योंकि श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति लगातार एक ही प्रकार का कार्य करते चला गया। और जब एक ही प्रकार का कार्य करेगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जबकि उसके अंदर विशेषीकरण आ जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय समूह जो है इससे बनते चले गए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रम विभाजन का विकास हुआ। श्रम विभाजन में चूंकि एक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य करता है जबकि उसके द्वारा उत्पादित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी उसे आवश्यकता होती है,
जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के साथ एक सूत्र में बांध देती है और सहयोग करने को बाध्य करती है। एग्जाम्पल के लिए, साइकिल बनाने वाला जूता नहीं बना सकता और जूता बनाने वाला साइकिल नहीं बना सकता, या हम कहें कि चश्मा बनाने वाला व्यक्ति जो है कपड़े नहीं बना सकता और कपड़े बनाने वाला व्यक्ति चश्मा नहीं बना सकता। तो आपको जब चश्मे की ज़रूरत होगी तो आप चश्मा बनाने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे, और जब आपको कपड़ों की ज़रूरत होगी तो आप कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे। तो दोनों व्यक्ति जो हैं वो अपनी अपनी आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर होंगे, तो इससे निर्भरता भी बढ़ी। इसलिए आधुनिक समाज में श्रम विभाजन के विशेषीकरण के होते हुए भी व्यक्तियों में अंतर संबंध, अंतर निर्भरता और एकता है। यानी अगर कोई एक व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं खुद पूरी कर ले, उसके उसकी दूसरों के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ना रहे, तो उस कंडीशन के अंदर हम एक अलग समाज देखेंगे। वहाँ सामाजिक संबंधों का विकास इतना अच्छे से नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम अपनी हर आवश्यकता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर हैं और कोई दूसरा व्यक्ति अपनी हर आवश्यकता के लिए हम पर निर्भर है, तो उस कंडीशन में ये निर्भरता जो है वो एकता को उत्पन्न करती है और अंतर संबंधों को पैदा करती है। और इस प्रकार की व्यवस्था को दुर्खीम ने सावैवी व्यवस्था कहा था, कि जहाँ पर व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के साथ में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब अगर हम बात करें श्रम विभाजन के प्रमुख कारकों की, मेजर फैक्टर्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि श्रम विभाजन के कौन कौन से प्रमुख कारक थे, तो दुर्खीम की जो बुक थी समाज में श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, उसके दूसरे खंड में उन्होंने श्रम विभाजन के विभिन्न कारकों, उसकी दशाओं और उसके परिणामों की व्याख्या की, कि कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं और उसके फिर क्या परिणाम निकलते हैं। श्रम विभाजन चूंकि एक सामाजिक तथ्य, एक सोशल फैक्ट है, इसलिए दुर्खीम ने इसके कारणों की खोज भी सामाजिक जीवन की दशाओं और उसकी आवश्यकताओं से ही की है। क्योंकि हम इसे एक सोशल फैक्ट मान रहे हैं, तो हमने उसकी उसके कारणों की खोज भी कहाँ से की, जो हमारे सामाजिक जीवन की दशाएँ हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन के अंदर हमें कंडीशंस दिखती हैं वो, और उसके साथ साथ उसकी आवश्यकताएं जो हैं उससे। तुर्खीम ने श्रम विभाजन का जो प्राथमिक कारक था वो जनसंख्या के आकार में वृद्धि और घनत्व में वृद्धि को माना। द्वितीयक कारकों में वह सामूहिक चेतना के उत्तरोत्तर ह्रास और पैतृकता के घटते प्रभाव को बताते हैं। जो मेन रीज़न जो उन्होंने माना था वो था जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। क्योंकि दुर्खीम के अनुसार जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि ही श्रम विभाजन का एक प्रमुख कारण था। उन्होंने लिखा भी था कि श्रम विभाजन समाजों की जटिलता और घनत्व के साथ सीधे अनुपात में विचरण करता है, और यदि सामाजिक विकास के दौरान ये निरंतर वृद्धि करता है तो इसका कारण यह है कि समाज नियमित रूप से अधिक घने और सामान्यतः अधिक जटिल हो जाते हैं। बेसिकली जनसंख्या के दो पक्ष होते हैं, एक तो आकार में वृद्धि और दूसरा घनत्व में वृद्धि। दोनों ही पक्ष श्रम विभाजन को जन्म देते हैं। अगर जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है तो भी श्रम विभाजन होता है, और अगर घनत्व में वृद्धि होती है तो भी श्रम विभाजन होता है। जनसंख्या में वृद्धि होने से जो सरल समाज थे वो लुप्त होते चले गए और मिश्रित समाजों का निर्माण होने लगा। अब हम घनत्व की बात करें तो इसका मतलब होता है कि शारीरिक दृष्टि से लोगों का एक स्थान पर एकत्रित होना, एक पर्टिकुलर स्थान पर कितने लोग इकट्ठे होते हैं, दैट इज़ भौतिक घनत्व। और अगर हम नैतिक घनत्व की बात करते हैं तो उसके अंदर अंतर संबंधों और अंतःक्रियाओं में वृद्धि से उत्पन्न जटिलता को दुर्खीम ने नैतिक घनत्व कहा था, जहाँ पर कि हमारी सोच आ जाती है, हमारी क्रियाएं आ जाते हैं, हमारे अंतर संबंध आ जाते हैं, तो वो नैतिक घनत्व होता है। तो इस प्रकार से दुर्खीम ने नैतिक घनत्व का विकास अस्तित्व के लिए संघर्ष की विवेचना करते हुए स्पष्ट किया कि पूर्व निर्मित समाजों में ही श्रम विभाजन संभव है,
पहले की जो समाज थे उनके अंदर श्रम विभाजन इतना क्लियर कट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जैसे जैसे सरल समाज से हम जटिल समाज की ओर गए, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई, आवश्यकताओं में वृद्धि हुई, वैसे वैसे श्रम विभाजन जो था वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। नेक्स्ट जो कारक था, द्वितीय कारक जो बताया था, वो था सामूहिक चेतना का उत्तरोत्तर ह्रास। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एवं व्यक्तिगत विरोधीकरण तभी संभव होते हैं जब सामूहिक दृष्टिकोण के स्थान पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण का विकास हो जाए और व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना को दबा दे, तभी विरोधीकरण संभव होता है। इसलिए दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही अधिक कठिन और धीमी होगी जितनी कि सामूहिक चेतना सशक्त और निश्चित है। अगर सामूहिक चेतना सशक्त होगी तो श्रम विभाजन की गति धीमी हो जाएगी। इसके विपरीत ये उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितना व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पर्यावरण के साथ सामंजस्य करने में समर्थ है। यानी व्यक्तिगत चेतना जो है उसका विकास जितना अधिक होगा उतना ही श्रम विभाजन बढ़ेगा। व्यक्ति जितना सामूहिक चेतना से बाहर निकलकर व्यक्तिगत चेतना की ओर आएगा उतना ही श्रम विभाजन ज़्यादा बढ़ेगा, उतना ही श्रम विभाजन ज़्यादा होगा। सामूहिक चेतना का जो धीरे धीरे क्रमिक पतन हुआ उससे व्यक्तिगत चेतना की जो भावनाएं थी या व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो था वो प्रबल हुआ और व्यक्ति जो है वो अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ, और जो अलग अलग कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ तो उससे श्रम विभाजन जो था वो बढ़ता चला गया। एक और कारक उन्होंने बताया वो था पैतृकता का घटता हुआ प्रभाव। अगर हम दूसरे द्वितीय कारकों की बात करें तो उसमें दुर्खिम ने पैतृकता के घटते प्रभाव की बात की थी। तो दुर्खिम के विचार से पैतृकता का प्रभाव जितना अधिक होता है परिवर्तन के अवसर जो हैं वो उतने ही कम होते हैं, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पैतृक उसमें जुड़े रहते हैं, जितने पैतृक व्यवसायों से जुड़े रहते हैं उतने ही नए व्यवसायों में जाने की संभावना कम हो जाती है। जितना अधिक हम पैतृक गुणों को महत्व देते हैं उतना श्रम विभाजन की संभावना कम हो जाती है। अतीत के साथ अगर हम बात करें कि ये अतीत के साथ कठोरता से बांध देने की प्रक्रिया का परिणाम ये होता है कि हम अपनी विशिष्ट रुचियों का विकास नहीं कर पाते। अगर हमें कह दिया जाता है कि हमारे पूर्वज ये काम करते थे, आपको भी यही काम करना है, तो हमारी जो अपनी खुद के जो इंटरेस्ट होते हैं उनके बारे में हम बात नहीं कर पाते, हम अपनी खुद की रुचियों के बारे में बात नहीं कर पाते, हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए दुर्खिम के अनुसार पैतृकता के आधार पर कार्यों का वितरण भी श्रम विभाजन में बाधक है। उन्होंने खुद ने लिखा था कि श्रम विभाजन के विकास के लिए मनुष्यों को पैतृकता का जूता उतारकर फेंकना आवश्यक है। जब तक वो पैतृकता का जूता उतारकर नहीं फेंकेंगे तब तक वो आगे विकास नहीं कर सकते। समय की गति और सामाजिक विकास के साथ निरंतर होने वाले जो परिवर्तन हैं उन्होंने पैतृक गुणों को शिथिल कर दिया। इसके कारण व्यक्तियों की विभिन्नताएं विकसित हुई, दूसरे जो इंटरेस्ट थे वो डेवलप हुए और श्रम विभाजन में वृद्धि हुई। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले कुछ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी, कुछ लिमिटेड ऑक्यूपेशंस हुआ करते थे जिनको कि व्यक्ति लाइफ लॉन्ग जिनसे जुड़ा रहता था, उसको ज़्यादा कुछ ऑप्शंस दिखाई नहीं देते थे। लेकिन आज बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अपने इंटरेस्ट्स के आधार पर, अपनी रुचियों के आधार पर व्यक्ति बहुत सारे ऑप्शंस में से, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से अपने हिसाब से किसी भी व्यवसाय के अंदर खुद को संलग्न कर सकता है। वो हेरिडिटिकल जो ऑक्यूपेशंस हैं उनसे बंधा रहने की उसको ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति अपनी अतीत से कम कठोरता से बंधा होता है, उसके लिए सरल हो जाता है कि वो अपनी नवीन परिस्थितियों के साथ में अनुकूलन कर सके जो उत्पन्न हो गई हैं। जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे वैसे समाज में परिवर्तन देखने को मिला और उन परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अनुकूलन वही व्यक्ति कर सके जो कि अपने अतीत के साथ थोड़े कम बंधे हुए थे,
तो थोड़े कम जुड़े हुए थे। जो व्यक्ति अतीत के साथ बहुत अधिक रिजिडिटी के साथ जुड़े रहे, वो लोग उस साथ में इतने इजीली अनुकूलन नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि दुर्खीम ने जनसंख्या की वृद्धि, सामूहिक चेतना का ह्रास एवं पैतृकता के घटते प्रभाव को सामाजिक समाज में होने वाले श्रम विभाजन का कारण माना था। और ये तीनों कारण ही बहुत इम्पॉर्टेंट थे जिसके कारण समाज के अंदर श्रम विभाजन देखने को मिला। अब जब समाज में श्रम विभाजन हो गया, विशेषीकरण हो गया, तो उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम क्या निकले। दुर्खीम ने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणामों की विस्तृत विवेचना की और उनके सामाजिक परिणामों को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो सामाजिक परिणाम निकला, दैट इज सावैवी एकता। श्रम विभाजन के कारण समाज में सावैवी एकता जो थी उसका विकास हुआ। श्रम विभाजन के अधिक विस्तृत हो जाने से समाज में पाए जाने वाली यांत्रिक एकता सावैवी एकता में बदल जाती है। यांत्रिक एकता यानी जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं खुद ही पूरा कर रहा है, वो यांत्रिक एकता। फिर जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जनसंख्या की वृद्धि हुई, वैसे वैसे व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ी और आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भरता बढ़ी। तो इस प्रकार की जो एकता उत्पन्न हुई, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता के परिणाम स्वरूप जो एकता उत्पन्न हुई, दैट इज सावैवी एकता। तो यांत्रिक एकता मैकेनिकल सॉलिडरिटी से वो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में कन्वर्ट हो गई। समाज में सामाजिक कार्यों को समाज की विभिन्न इकाइयां करती हैं, लेकिन उन सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर उनके अंदर अंतर संबंध बना रहता है। हर समाज के अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं जो कि अपना अपना काम करती हैं और अपने अपना काम करते हुए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इस प्रकार समान उद्देश्यों, समान सामूहिक जीवन दर्शन के स्थान पर सावैवी एकता जो थी वो पनप जाती है। दूसरा जो इसका परिणाम हुआ, दैट इज विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार का कार्य काफ़ी लंबे समय तक लगातार करता है, और जब एक विशेष प्रकार का कार्य लंबे समय तक करता है तो उस कार्य के अंदर वो दक्ष हो जाता है, यानी विशेषज्ञ हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति उस हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी जो है उसके बारे में पूरी जानकारी रखता है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो एक जनरल फिजिशियन के पास नहीं जाके आप हार्ट स्पेशलिस्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, वो विशेषज्ञ है, उसको महारत हासिल हो गई है कि उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी तो वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकेगा। तो हम देखते हैं कि श्रम विभाजन के कारण एक व्यक्ति एक ही कार्य को जब लगातार करता रहता है, हम लोग बोलते भी हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो यहाँ पर एक व्यक्ति जब बार बार एक काम को करता है तो उसको उस कार्य के अंदर महारत हासिल हो जाती है, वो विशेषज्ञ बन जाता है। तो श्रम विभाजन ने समाज में विशेषीकरण को भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है विकास और प्रतियोगिता। श्रम विभाजन के कारण अलग अलग प्रकार के व्यवसाय उत्पन्न हुए जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अंदर प्रतियोगिता बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, और प्रतियोगिता के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तार हो जाने से नए नए आविष्कार हुए, और ये आविष्कार विकास के लिए नए नए मार्ग जो हैं वो उन्होंने प्रशस्त किए। यानी जैसे जैसे समाज का विकास हुआ, जैसे जैसे अनेक व्यवसायों का विकास हुआ, तो उसके साथ साथ कंपटीशन तो होना ही था, क्योंकि जैसे पहले एक जूता बनाने वाली एक ही कंपनी थी, फिर जूता बनाने की बहुत सारी कंपनीज आ गई, तो हर कंपनी के बीच में कंपटीशन हो गया। बाटा का शूज़ अच्छा है, एडिडास का शूज़ अच्छा है, ये आप दो कंपनीज में कंपटीशन हुआ। तो कंपटीशन होने से क्वालिटी जो थी वो बढ़ी, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए आविष्कार करने शुरू किए, नए नए इन्वेंशंस हुए
कि हाँ अगर हमको कंपटीशन के अंदर रहना है, हमें मार्केट में अपने आप को टिकाए रखना है, तो उसके लिए हमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी और उसके लिए हमें कुछ नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे, इन्वेंशंस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपस के अंदर नई नए आविष्कार भी हुए और उस आविष्कार से विकास का जो मार्ग था वो प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट है निर्भरता में वृद्धि, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताएं खुद पूरी नहीं कर पा रहा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ा, वैसे वैसे पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती चली गई। सहयोग, समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ा, वैसे वैसे व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ी, व्यक्ति की आवश्यकताएं जो थी वो बढ़ी और व्यक्तियों के अलग अलग कार्यों के अनुभव और अलग अलग व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। श्रम विभाजन से एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ने से आपसी सहयोग में वृद्धि हुई। जब आप किसी पर किसी व्यक्ति चीज़ के लिए निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, तो आप उस व्यक्ति को सहयोग करते हैं, कॉपरेट करते हैं। आपको लगता है कि इस व्यक्ति के बिना मेरा काम चल सकता है, तो उस कंडीशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को कॉपरेट करें, सहयोग करें। लेकिन जहाँ पर निर्भरता होती है वहाँ सहयोग की संभावना बनी रहती है। तो जैसे जैसे लोगों की आपस में अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भरता बढ़ी, तो उस निर्भरता के कारण सामाजिक व्यवस्था में सहयोग भी बढ़ा। व्यक्तिवाद, समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं बढ़ने लगीं, अलग अलग दृष्टिकोण पनपने लगे और व्यक्तिवादी भावनाओं में वृद्धि हुई। व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचने लगा, व्यक्ति जो समाज के बजाय व्यक्ति का लिए स्वयं का इम्पोर्टेंस जो था वो बढ़ने लगा, वो अपने पर्सनल उस पर आ गया कि मेरा विकास। तो धीरे धीरे व्यक्ति जो है उसके अपने दृष्टिकोण जो थे उनमें परिवर्तन होने लगा और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण जो था वो ज़्यादा डेवलप होने लगा। प्रतिकारी कानून, अब जैसे जैसे समाज का विकास हुआ वैसे जो समूह के जो अपराध थे उनके अंदर कमी हुई। तो उस वक्त जो दमनकारी कानून चलता था प्राचीन समाजों के अंदर वो धीरे धीरे निरर्थक हो गया और व्यक्ति के प्रति अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यक्ति व्यक्ति के प्रति अपराध जो थे वो बढ़ने लगे, समूह के प्रति अपराध कम होने लगे, तो प्रतिकारी कानून जो था उसका प्रचलन बढ़ गया। अब लॉ जो था उसका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया, पहले लॉ का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। नैतिक दबाव, श्रम विभाजन समाज के विभिन्न सदस्यों और समूहों को एक दूसरे पर निर्भर कर देता है और इस निर्भरता के कारण व्यक्तिवाद की भावना अपने कटु रूप में पनप कर सामने आती है। तो उस कंडीशन के अंदर श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर इस प्रकार का नैतिक दबाव होता है कि अधिक से अधिक विशेषीकरण के द्वारा अपने व्यक्तित्व का अधिकतम विकास करे, जिससे कि वह समाज के प्रति अनेक नैतिक कर्तव्यों का भी पालन कर सके। यानी कि उसके ऊपर एक नैतिक दबाव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट करे, ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन शो करे अपने काम के अंदर, जिससे कि समाज के अंदर वो अपनी जगह बना सके। अगर दुर्खीम की बात करें तो उनके अनुसार व्यक्तिवाद श्रम विभाजन के द्वारा व्यक्तियों पर जबरदस्ती थोपा गया नैतिक कर्तव्य था। यानी ज़रूरी था कि व्यक्ति जो है वो अपने बारे में सोचे, अपने विकास के बारे में सोचे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नैतिक दबाव था कि व्यक्ति अपने आप को प्रूव करे, अधिक से अधिक परफेक्शन शो करके अपने काम के अंदर। दुर्खीम ने श्रम विभाजन को एक गतिशील तथ्य माना था और उनके अनुसार ये तथ्य जनसंख्या के घनत्व से उत्पन्न सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम था। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई श्रम विभाजन भी उसके अनुसार बढ़ता गया। श्रम विभाजन के द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों तथा वर्गों के लिए अपने विशेष कार्यों के द्वारा समाज को लाभ पहुंचाना एक नैतिक कर्तव्य के रूप में मान्य हो जाता है। इसलिए दुर्खीम ने श्रम विभाजन को निरंतर विकास की ओर बढ़ने वाली प्रक्रिया का एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे जैसे समाज का विकास होगा वैसे वैसे श्रम विभाजन का भी विकास होगा।
दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की अनेक समाजशास्त्रियों ने जहाँ प्रशंसा की, वहाँ कुछ समाजशास्त्री ऐसे भी थे जिन्होंने की आलोचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट बियरस्टीड की। तो उनके अनुसार दुर्खिम की एक ऐसी रचना थी जो उनके विचार के निर्माण की प्राथमिक अवस्था को प्रकट करती थी। यानी वो मानते थे कि ये जो चिंतन है वो अपनी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, ये इनिशियल स्टेज है, ये अभी तक परिपक्व अवस्था में नहीं आया है, मैच्योर स्टेट जो है वो नहीं है, कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं है, मैच्योर कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा रॉबर्ट बियरस्टीड का कहना था। नेक्स्ट जो आलोचना की थी रॉबर्ट के मर्टन ने, उनके अनुसार दुर्खिम ने श्रम विभाजन के उद्देश्य के स्थान पर प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया, ऑब्जेक्टिव के स्थान पर उनने फंक्शन जो वर्ड है उसका प्रयोग किया। संभवतः दुर्खिम के लिए श्रम विभाजन की प्रत्यक्षवादी व्याख्या करना कठिन था, वो उसकी पॉजिटिविस्टिक जो व्याख्या थी वो नहीं कर पाए, प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो व्याख्या करनी थी वो करना उनके लिए कठिन था, ऐसा मानना था रॉबर्ट के मर्टन का। इसलिए उन्होंने उसका जगह फंक्शन वर्ड जो था उसको प्रयोग कर लिया, उद्देश्य के स्थान पर उन्होंने प्रकार्य शब्द का प्रयोग कर लिया। गिन्सबर्ग जो थे उन्होंने भी इसकी आलोचना की दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की, और उन्होंने कहा कि दुर्खिम ने अन्य सभी कारकों की अपेक्षा केवल जनसंख्या को ही श्रम विभाजन का एकमात्र कारक बताया। बहुत सारे कारक रेस्पॉन्सिबल हो सकते थे श्रम विभाजन के, लेकिन दुर्खिम ने जनसंख्या को एकमात्र प्रमुख कारक बताया, जो कि उपयुक्त नहीं था गिन्सबर्ग के अनुसार। तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट बियरस्टीड, रॉबर्ट के मर्टन, गिन्सबर्ग, इन्होंने श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना अपने अपने तरीके से की, लेकिन इस आलोचना के बाद भी कहा जा सकता है कि उन्होंने श्रम विभाजन की विस्तृत व्याख्या करके सामाजिक परिवर्तन के एक प्रमुख कारक के रूप में नवीन खोज प्रारंभ की। ये दुर्खिम की एक नवीन खोज थी। ये तथ्य वास्तविक है कि सामाजिक परिवर्तन के अंदर अनेक कारकों का योग होता है, और दुर्खिम ने श्रम विभाजन को केवल जैविकी आधार पर स्पष्ट किया, किंतु उन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणामों के तथ्य रूप में वर्णन करने में सफलता प्राप्त की है। यानी हम उनका जो योगदान है उसको नकार नहीं सकते हैं कि उन्होंने श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को देकर समाज की एक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से समाज के अंदर जैसे जैसे विकास होता है और उसके साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि होती है, लोगों के विचारों के अंदर परिवर्तन आता है, लोगों की नीड्स जो है वो बढ़ती हैं, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, और आवश्यकताओं में विभिन्नताएं बढ़ती हैं, और उन विभिन्नताओं की पूर्ति करने के लिए हर व्यक्ति को कैसे अलग अलग कार्यों से अपने आप को संलग्न होना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, और उसके बाद किस प्रकार से वे एक दूसरे पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं, जब विशेषीकरण हो जाता है तो समाज में किस प्रकार से उनका योगदान रहता है, और उनका जो एक दूसरे पर निर्भरता के कारण जो समाज में एक एकता देखने को मिलती है, एक सहयोग की भावना देखने को मिलती है, जो कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान था समाज के लिए।